Again, I welcome you all on Education Express channel in the class of income tax. And we are talking on the income from business, profession, vocation. And in that, we are taking up the question number 9th. 9वें question पर आपसे बात करनी है और उसको देखें किस प्रकार से वो है. डिटेल्स आपके सामने हैं बोर्ड पर क्वेश्चन की और जो अतिरिक्त सूचना है वो इस प्रकार की हैं. अतिरिक्त सूचनाएं कमीशन की राशि 2000 रुपये अदत्त कमीशन के शामिल हैं. जो कमीशन आपको सेकंड पॉइंट पर दे रखा है उसकी बात कर रहा है. मशीन मरम्मत व्ययों में जनवरी 2020 में नई मशीन लगाई है उसमें 5000 रुपये स्थापना के लिए हुए हैं. ये पूंजीगत खर्चा है. संपत्ति खरीदने पर, उसको लाने ले जाने पर और उसको स्थापित करने तक का जो खर्च होता है उस संपत्ति की लागत मानी जाती है. तो ये डिसअलाउ होगा इस वजह से. नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भुगतान इस विशेष निर्देश के साथ किया गया है कि इस राशि का प्रयोग निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के तहत ली गई वैज्ञानिक शोध के लिए ही किया जाएगा. तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको हमने उसने खर्च किया है वैज्ञानिक शोध पर और अनुमोदित कार्यक्रम के लिए किया गया है. तो ऐसी स्थिति में ये 60000 रुपये बता रहा P&L में डेबिट. हम 60000 के साथ साथ एक्स्ट्रा 50% और डेबिट करेंगे. 150% तक इसका खर्च स्वीकार किया जाएगा. वैज्ञानिक शोध के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था को यदि मान्यता प्राप्त संस्था ने यदि कोई खर्च किया है तो उसका 150% छूट के रूप में स्वीकार होता है. यहाँ पर 60000 रुपये ऑलरेडी डेबिट हैं, ये तो स्वीकार कर लिए गए हैं, परंतु 150% होना चाहिए. 50% और 60000 का 50% 30000 रुपये और डेबिट करो और स्वीकार करने हैं तो ये अमाउंट इसमें लेस किया जाएगा. फिर कहता है जीवन बीमा प्रीमियम ये व्यक्तिगत खर्चा है, नॉट अलाउड. गत वर्ष में वैज्ञानिक शोध में प्रयोग आ रही एक मशीन 36000 रुपये में बेची गई तथा विक्रय की राशि संपूर्ण राशि एक विशेष संचय खाते में जमा किया गया. ये मशीन 2 वर्ष के पूर्व 50000 रुपये में खरीदी थी. खैर खरीदी थी उससे हमें कोई लेना नहीं. 36000 रुपये में हमने बेचा और रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया. उसको रिजर्व में नहीं P&L में क्रेडिट करना चाहिए तो प्रॉफिट में जोड़ेंगे. फिर उसके बाद उसने कहा है कि संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है. एक मशीन है जिसकी वास्तविक लागत 2 लाख रुपये है और उसका रिटन डाउन वैल्यू अपलिखित मूल्य 90000 रुपये है. एक और मशीन है 45000 रुपये की लागत की, 1 जनवरी 2020 को क्रय की गई, इसी साल खरीदी गई है और जनवरी को खरीदी है. तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक ये काम किया है और 30 दिन होते हैं एक महीने में, 3 महीने 90 दिन. तो मशीन ने 180 से कम दिन काम किया है तो डेप्रिसिएशन की रेट जो होगी उसका आधा ही डेप्रिसिएशन हम स्वीकार करेंगे. फर्नीचर 1 अप्रैल 2019 को अपलिखित मूल्य 86000 रुपये है जिसकी लागत 37000 रुपये थी. उसका अपलिखित मूल्य 20000 रुपये था. 16 अगस्त 2019 को 32000 रुपये में बेच दिया गया. तो 20000 रुपये को कि फर्नीचर को 32000 में बेचा है तो 32 - 20 12000 रुपये का लाभ हुआ है और ये P&L में क्रेडिट कर रखा है और ये पूंजीगत लाभ है इसलिए इसको वहाँ से हटाएंगे, लेस कर देंगे. फिर उसके बाद कहता है कि 15 मई 2019 को 40000 रुपये की मशीन वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगाई गई है तो इस पर डिप्रिसिएशन होगा. विविध व्यय में 4000 रुपये की राशि विक्रय कर की चोरी के संबंध में है और उस पर पेनल्टी लगाई गई. इसने सेल्स टैक्स की चोरी करी, पकड़ा गया, उस पर पेनल्टी लगी तो डिसअलाउ होगा. ये गलती ये थी, डिसअलाउड होगा. विविध व्यय में 20000 रुपये के भारतीय रेलवे को दे राशि
ये राशि रेलवे की संपत्तियों के लिए है जिसमें 15,000 भुगतान जुलाई 2020 एवं 5,000 रुपये का भुगतान नवंबर 2020 में किया गया। इस पर बात करेंगे। गणना वर्ष 2021 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए। आइए टेकअप करते हैं। प्रश्न आपके सामने हो गया, पी एंड एल अकाउंट दे रखा है, नेट प्रॉफिट को बेस बना करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात हो रही है। नेट प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ओम मिस्टर धर्मदास फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट and it is given 317,000 final column. Next, office salaries allowed है और इसके बारे में आगे कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए से allowed है, already debit है, हमें कुछ नहीं करना है। commission के बारे में उसने कहा है first point में 2,000 रुपये अदत commission के शामिल हैं, वो भी allowed होता है हमारा, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। कमीशन के लिए आगे कुछ भी नहीं कहा गया है। मशीन रिपेयर के बारे में सेकंड पॉइंट देखिएगा कि इसमें रिपेयर में जो 45,000 रुपये की राशि लिखी हुई है, 5,000 रुपये नई मशीन खरीदी उसकी स्थापना पर खर्च हुए हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन की लागत में होता है शामिल, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ और यहाँ पर डिसअलाउ होगा। ओके, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन खरीदी उसके स्थापना संबंधी खर्च 5,000 रुपये इनर कॉलम में लिखे हैं अभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है डिप्रिसिएशन पर बात डिटेल में करेंगे, अभी ठहरिएगा। पेमेंट टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 60,000 का पेमेंट है, ऑलरेडी डेबिट है, हमें डेबिट करना 60,000 का 150% 15,690,000 रुपये, और डेबिट 60,000 हैं तो 30,000 रुपये और डेबिट करने घटाने हैं, तो जब लेस आइटम्स लिखेंगे तब याद दिलाइएगा, उस समय इसको लेस किया जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस विविध व्यय में देखिएगा, इसने नाइन्थ को पॉइंट पर देखिएगा, विविध व्ययों में 4,000 रुपये की राशि विक्रय कर की चोरी के संबंध में है। ओके, पेनल्टी ऑन सेल्स टैक्स, चोरी को इवेजन कहते हैं, ध्यान रखना इवेजन, ये ब्रैकेट में देखते हैं टैक्स की चोरी, और वो 4,000 रुपये की राशि है। फिर आगे उसने कहा है कि 10वां पॉइंट रेलवे को जो खर्च है वो बता रहा है, इसके संबंध में सुन लीजिएगा कि रेलवे के संबंध में क्या है। ये देखिएगा कि भारतीय रेलवे इसमें 43B क्लॉज दे रखा है एक, मैं आपको बता देता हूँ इसका रेफरेंस, वहाँ पर इसे देखिएगा पेज नंबर 375 375 पेज पर, ये बॉक्स बना हुआ है,
इसमें लिखा है निम्न व्यय वास्तविक भुगतान पर ही कटौती योग्य होते हैं, धारा 43B। और इसमें सातवां पॉइंट, रेलवे की संपत्तियों का उपयोग करने के बदले भारतीय रेलवे को देई राशि। यदि आप रेलवे की संपत्ति का उपयोग करते हैं, जैसे माल को रेलवे के जो वैगन से उसमें भेज रहे हैं, उसका किराया हो रहा है, सब एक साथ दे रहे हैं आप, उसका बीच में समझौता इस तरह से कर रखा है, तो जब रिटर्न फाइल की जाती तब तक दे देना चाहिए। तो 31 मार्च प्रतिवर्ष सरकारी खाते बंद होते हैं, तो उसके टैक्स का पेमेंट व्यापारी को कर देना पड़ता है 31 जुलाई तक, और जो व्यक्तिगत करदाता हैं सैलरी पर वाले जो व्यक्ति, उनको पेमेंट करना पड़ता है 31 मार्च तक, व्यापारी को करना पड़ता है 31 जुलाई तक। तो इसने क्या किया कि जो पेमेंट था वो जैसे 15,000 का भुगतान जुलाई में कर दिया उसने, परंतु 5,000 का भुगतान वो नवंबर में कर रहा जुलाई के बाद, मतलब तो 31 जुलाई तक पेमेंट नहीं किया, और जबकि इसने इसको खर्चे को डेबिट कर रखा, तो उसे डिसअलाउ कर दें। ओके, पेमेंट टू रेलवे, नोट अलाउड ये 5,000 रुपये। और देखिएगा आगे, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस में तो हो गया अपने शायद, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP 2,000 रुपये की राशि, फिर उसके बाद कंसल्टेशन फीस अलाउड होती हो, बस ये है। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, ये वर्किंग नोट में बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, सावधानी से देखिएगा। पहला, मशीन, मशीन पर उसने ये कहा है पॉइंट नंबर 7th का ए पार्ट, मशीन वास्तविक लागत 2,00,000 रुपये और 1 अप्रैल 2019 को अपलिखित मूल्य 90,000 रुपये। तो लागत को हमें को मतलब नहीं, डेप्रिसिएशन अपलिखित मूल्य पर होता है 90,000 रुपये। फिर दूसरा आगे कहता, 45,000 रुपये की लागत की एक अन्य मशीन, नई मशीन खरीदी जनवरी 2020 को क्रय की गई, जो 11वीं अनुसूची में वर्णित वस्तुओं के निर्माण हेतु प्रयोग की जाती है, जिनको और ये विशेष छूट दी जाती है, उसकी बात कर रहा है 11वीं अनुसूची कर। खैर, तो पहले हमें मशीन लेनी है 90,000 की, दूसरी मशीन है 45,000 रुपये की। तो हमारा नियम क्या होता है, अपलिखित मूल्य डेप्रिसिएशन का 90,000 एड कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन ₹45,000 + ₹5,000 स्थापना के, ये इंस्टॉलेशन के हैं, ये कुल ₹50,000 की मशीन हो गई, ठीक है। परंतु ध्यान ये रहे कि ये वाली जो मशीन है, नई मशीन है ये, न्यू परचेज्ड ऑन, डेट देखिएगा, और वो डेट है 1/1/2020, नॉट कंप्लीटेड 180 डेज, इसने 180 दिन पूरे नहीं किए हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेप्रिसिएशन एट हाफ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो इसकी दर निश्चित है, निर्धारित है, उसका आधा लेंगे डेप्रिसिएशन। बस समझ में आ गई आपके, मैंने देखिए सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है,
सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। इस मशीन पर जो नई मशीन खरीदी है, इसको ख़रीदा है 1/1/2020 को, और 1/1/2020 से 31 मार्च 2020 तक इसने 180 दिन तक कार्य नहीं किया है, 180 दिन पूरे नहीं हुए कार्य करते हुए, इसलिए इस मशीन पर डेप्रिसिएशन की जो रेट होगी उसका आधा डेप्रिसिएशन देंगे। बस समझ में आ गई। ओके, तो अब डेप्रिसिएशन हमें अलग अलग लेना है। पहला ऑन 90,000 एट द रेट ऑफ 15%, बोलिए 15,935 13,500 एक डेप्रिसिएशन ये आएगा। सेकंड ऑन न्यू मशीन 15% × 50,000 × 1/2 बोलिए 3,750 ये आ जाए, क्योंकि नई मशीन है और 11वीं अनुसूची की है। तो कल नियम आपको बताया था कि नई मशीन यदि खरीदी गई हो और गत वर्ष में उसका पहली बार उपयोग हो रहा हो तो उसको अतिरिक्त डेप्रिसिएशन और देंगे, ठीक है। थर्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन एट द रेट ऑफ 20%, लीजिएगा 50,000 × 20% × 1/2 आधा, क्योंकि 180 दिन से कम काम किया है। यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं यूज्ड लेस देन 180 डेज, इसलिए आधा कर रहे हैं इसको भी। ये लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आधा क्यों किया गया है। इसका भी कितना हुआ, 5,000 रुपये ये डेप्रिसिएशन इस मशीन के। क्लियर हो गई बात, चलें आगे। ओके, यहाँ पर टोटल ले लीजिएगा कितना हो रहा है ताकि आप जोड़ सके बाद में। ₹22,250 यहाँ तक का ये फाइनल फिगर मशीन का हो गया है। आगे और डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, उन सब का टोटल करके डेप्रिसिएशन एक साथ डेबिट किया जाएगा, ठीक है। ओके, पहला मशीन का डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का कंप्लीट हुआ। आगे देखिएगा, फिर ये कहता है फर्नीचर, शॉर्ट लेना जिन्हें ले लें इसका नंबर टू फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में कहे 1/2/19 को अपलिखित मूल्य, ये है फर्नीचर नंबर टू। रिटन डाउन वैल्यू इज ऑन 1/1/2020 1/1/19 को इट इज 86,000, क्यों भाई यही है 86,000 रुपये की रिटन डाउन वैल्यू है इसकी, जिसकी लागत 17,500 रुपये था। फर्नीचर जिसकी लागत 17,500 रुपये थी तथा जिसका अपलिख मूल्य 20,000 रुपये था 16/1/2019 को बीच बेच दिया। एड कॉस्ट ऑफ न्यू फर्नीचर परचेज्ड
नील, कोई फर्नीचर आपने नहीं खरीदा, टोटल किया 86,000 लेस सेल ऑफ फर्नीचर। यदि कोई फर्नीचर बेचा तो वो घटाएं, और वो बेचा है कितने में, 32,000 में, चेक करें, माइनस 32,000 बैलेंस फॉर डेप्रिसिएशन, 54,000 बैलेंस डेप्रिसिएशन के लिए बचा गया। डेप्रिसिएशन लगाएं अब एट द रेट ऑफ 10% इंटू 54,000 एंड इट कम्स टू 5,400। एक डेप्रिसिएशन ये हो गया। क्लियर होगी बात, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद आगे कहता है ये एड्स पॉइंट में, 15 मई 2019 को 40,000 रुपये की एक मशीन वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगवाई गई। यह मशीन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है। एक और मशीन का जिक्र आ रहा है, ये अलग ब्लॉक की मशीन होगी, क्योंकि वो मशीन जो पहले थी फर्स्ट डेप्रिसिएशन जिसमें हमने 22,250 का कैलकुलेशन किया था, वो मशीन 15% के रेट की डेप्रिसिएशन वाली है, तो वो अलग ब्लॉक की कहलाएगी। और ये मशीन पोल्यूशन कंट्रोल की है, इसकी रेट की डेप्रिसिएशन होती है 40%, तो ये अलग ब्लॉक की होगी। उसका कैलकुलेशन अलग, इसका कैलकुलेशन अलग, एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, मशीन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, थर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल, हाँ जी, ये कहता है परचेज्ड ऑन May 2019, ओके, कितने महीने हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने, ब्रैकेट में यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज, हेंस इसलिए डेप्रिसिएशन एट फुल रेट, पूरी दर से डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर, उसमें आधी दर से था, इसमें पूरी दर से लगेगा, ओके। इसमें नंबर वन पर लीजिएगा रेगुलर डेप्रिसिएशन, चालीस हजार पर एट द रेट ऑफ 40% इंटू 40,000, बोलिए 16,000। फिर दूसरा एडिशनल डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखे न्यू मशीन इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन हो रहा है, एट द रेट ऑफ 20%, 40,000 का 20%, 8,000 ही हो, कुल मिलाकर के ये दोनों का डेप्रिसिएशन 24,000 हो गया। और कोई संपत्ति है क्या, चेक कीजिए, नहीं है। टोटल डेप्रिसिएशन अब लिखें, टोटल डेप्रिसिएशन पहले था 22,250, फिर दूसरा कितना था, 5,400,
5,400 + 24,000 + 24,000 51,650 लिख दूं 51,650 ये है अलाउड डिप्रिसिएशन। इतना स्वीकार करेंगे, ठीक है। अब ये P&L में क्या लिखा हुआ चेक कीजिएगा। डिप्रिसिएशन ये देता 80,000 रुपये, 80,000 लेस अलाउड 51,650 51,650 350 को जोड़ने वाले फिगर में जोड़ दीजिए। अब बोलिए टोटल कितना बन रहा है। एक और ले रहा आपके, देखो फिगर, एक संपत्ति बेची थी, देखो आपने कहीं लिखा हुआ था छठा पॉइंट 36,000 रुपये की बेची, जो उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, P&L में होना चाहिए। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन 36,000 टोटल बोलिए, और फाइनल कॉलम में लिखें टोटल को 350 तो ये हो गया, एट्टी थाउजेंड 350 फाइनल कॉलम का टोटल करें। प्लस कर लें सर। हाँ जी, 397,350। ओके, नाउ कम टू दी लेस आइटम्स। एड आइटम्स हमारे पूरे हो गए, अब लेस आइटम्स कौन कौन से करने हैं। मैं इस तरफ ले रहा हूँ इसको एक साइड, वर्किंग नोट को हटाकर। नाउ लेस अलाउड एक्सपेंसेस, देखिएगा कौन कौन से। पहले तो ले एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन साइंटिफिक रिसर्च, भूल जाएंगे नहीं तो। नंबर वन, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन साइंटिफिक रिसर्च 60,000 इंटू 150% बोलो कितना है, 90,000 लेस ऑलरेडी अलाउड, पहले से स्वीकार किया, देखिए P&L में डेबिट है 60,000 रुपये ऑलरेडी अलाउड, 60,000 रुपये। अब आपको 30,000 रुपये और घटाने हैं, इस तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट नंबर टू, P&L में देखिए आइटम कौन कौन से क्रेडिट हैं जिनको हमें हटाना है। एक तो प्रोसीड्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रोसीड्स ऑफ एन एंडोमेंट पॉलिसी, ये जीवन बीमा की पॉलिसी है, तो ये हमारे काम की नहीं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो व्यक्तिगत जीवन पर होता है। प्रोसीड मतलब सेल होता, सेल ऑफ पॉलिसी 20,000 नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 12,000 चेक कीजिए, और कोई आइटम रह गया क्या। आई थिंक नो, नो नी आइटम इज लेफ्ट।
come on, come to the total. 62,000 in my calculation. Yes, sir. Final column में 62,000 घटा दें, 3,97,350 में से 62 माइनस करें, 3,35,350 चेक कीजिएगा टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया. गुड. थ्री लैख 35,350 ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. एंड इन दिस क्वेश्चन ए वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इज डेप्रिसिएशन अलाउड. सारा कैलकुलेशन उस पर दारोमदार है क्योंकि डेप्रिसिएशन कई तरह के आ रहे हैं इसमें. मशीन्स के एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है, रेगुलर भी है, 180 डेज के भी हैं और लेस देन 180 डेज के भी हैं. पोल्यूशन कंट्रोल की मशीन का रेट अलग है डेप्रिसिएशन का. इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू.